power and dying in the strength of the Almighty. Spirit of the Lord, इशारा करूं कि
ये चंद शिया सुन्नी के नहीं है, वहाँ पर एक ऐसे टेररिस्टों के साथ जंग है जिसका नजरिया मुसल्लम है कि बबाए अहले बैत अत्हार मिस्मार कर दिया जाए। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते इस मकाम से, खुदा ने इन तकफीरी बासी के ख्याल को बिल्कुल इन नफा ख्याल को कामयाब होने ना दिया और इंशाल्लाह आइंदा भी नहीं होने देगा। आए चंद बातें शहीदों के बारे में करते। कुरान की आयत है कि खुदा के राह में खत्म होने वाले को उसे मामूली मौत न समझो बल्कि वो जिंदा है। गौर करो इस आयत के ऊपर कितनी प्यारी आयत शहीदों के बारे में। कुरान के अंदर शहीदों के बारे में ये आयत एक अजीब लुत्फ रखती है। जिस जुबान में हम शहीद कहते हैं, लफ्ज शहीद कुरान में आया, लफ्ज शहीद मुख्तलिफ जगहों पर आया। कुल कफा बिल्लाही शहीदा, कह दो कि अल्लाह काफी है गवाही के लिए। शहीद यानी गवाही, शहादत यानी गवाही दे दो, विटनेस। लेकिन जिस उर्फी माना में हम शहीद लेते हैं वो परवरदिगार ने पुतिनों का लफ्ज इस्तेमाल किया। वला तहसबन्न الذين قتلوا في سبيل الله, गुमान नहीं करो तुम जो अल्लाह की राह में कत्ल हो जाए। अमवातन ये मामूली मौत है, नहीं ऐसा नहीं है। बल अहयाउन इंद रब्बिहिम, ये रब के पास जिंदा है। ये आगे की आयत, आगे का इस आयत का युर्ज़कून के परवरदिगार की तरफ से रिज़्क़ हासिल करता है। रिज़्क़ मादी नहीं, एक रिज़्क़ मानवी, एक ऐसा रिज़्क़ जो खुदा के नजदीक लाएदुन रा, न किसी आंख ने देखा न किसी कानों ने सुना, एक ऐसा रिज़्क़ हासिल होता है मानवी। मामूलन हम लोग समझते हैं कि रिज़्क़ से मुराद फल, फ्रूट, गजा, खाना, ये नहीं। अजीम रिज़्क़, ये रिज़्क़ हो सकता है वो बंद रसूल हो, ये रिज़्क़ हो सकता है अब अब्दुल्लाह हुसैन के साथ हो, ये रिज़्क़ हो सकता है कि अहले बैत के अत्हार के साथ हो, क्योंकि ये शहादत के सरदार है। ये लोग मस्जिद मेहराब मेहराब मस्जिद कूफा से लेकर करबला की इस जमीन तक ये शहादत का ये लुत्फ एक ही खानदान के नजदीक वो खानदान है, एक रत है। जो फरमाया रेस से मुराद ये रेस से मुराद ये रेस कि शहदाए करबला के साथ जो सलाम है अंसारान हुसैन के अंदर, इनका नाम उन अंसारों में लिखा जाता है और दुनिया रहती तक हर एक के सलाम के साथ इमाम जमाना अरबाउना लहुल फिदा। बीमारी आई, बिस्तर पर आया इंसान, हार्ट अटैक हुआ या कोई अटैक हुआ, मर गया, उस मौत को उस शहादत की मौत से कंपेयर ना करो जो असलहा लेस होकर मैदान में जाता है ये सोच कर कि या मुझे दुश्मन को मारकर कामयाब होकर आना है या मरना है मुझे। ये शहादत का अजीम दर्जा है। शहादत के कई दर्जे अजीजों, एक दो दर्जे नहीं, कई दर्जे। एक शहादत मालूम नहीं होती।
क्रांति की शहादत होने वाली है। इस तरीके से पाकिस्तान में बम एक्सप्लोजन होते, लोग जाते नमाज पढ़ते, एक एक्सप्लोजन हुआ, एक बम फटा, कई लोग शहीद हो गए, ये भी शहादत है। जुलूस में, मातमी जुलूसों में, दीगर जुलूसों में शियों के मामले एक सुसाइड अटैक होते, कई लोग मर जाते, ये भी शहीद है। शहादत के मुख्तलिफ दर्जे, लेकिन इस शहादत में और उस शहादत में जमीन आसमान का फर्क है। ये शहादत आने वाली है लेकिन मालूम नहीं है कब आने वाली है। लेकिन एक मर्जे वक्त फतवा देते हैं कि जिहाद के फाई वाजिब, उड़ जाए लेस हो जाए बदन पर असलहों से, मिंडल इस तसव्वुर से जाए कि मुझे अब मरना है, वो शहादत का दर्जा बलंदतरीन दर्जा हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि दूसरे शहादों का दर्जा बहुत नीचे है, ऐसा नहीं। बस शहादतों के लिए नाम दुश्मन के रिकॉर्ड में, जैसा सीरियल किलिंग की जाती है पाकिस्तान में, उलमाओं को मारना, शायरों को मारना, जिसमें उस्ताद सिद्द जाफर जैसे लोग, यानी मुफक्किर लोग, जिसकी फिक्र जवानों के जमीरों को जिंदा कर देती है, ये सब टारगेट किलिंग में थे। हत्ता तारीख में अइमा अलैहिस्सलाम के हुजूर में भी ये लोग टारगेट किलिंग में थे। फरस्ता को जिंदा करने के साथ साथ दुश्मन का ये प्लान था कि फरस्ता को खत्म किया जाए, इसलिए कि फिक्र मुंतकिल हो रही है। शायरी कोई मामूली चीज नहीं है, कुरान के अंदर सूरह शोरा है, मैं आऊंगा हर एक के बारे में। देवेल खुजाई 20 साल तक के लिए जरूरत थे गवर्नमेंट, उस अब्बासी खिलाफत में 20 साल वांटेड, जिंदा या मुर्दा, इसलिए कि फिक्र दी जाती है। हम पाकिस्तान में उलमाओं पर टारगेट किया गया था, आरिफ हुसैनी, और उसके बाद ना जाने कितने ऐसे उलमा, किस लिए बाउलमा ऐसे ही है जैसे खतरा भी नहीं है दुश्मन, बाद शायद आज भी जिंदा करते हैं जिसे आज भी जिंदगी करें जिसे दुश्मन को खतरा नहीं है पाकिस्तान में। बाद उलमाओं पर टारगेट किया जाता है, क्यों? इसलिए कि फिक्र मुंतकिल हो रही है। अगर फिक्र मुंतकिल हो गई, एक जवान बेदार हो गया, इनकलाब लेकर आ जाए। ये फिक्र मुंतकिल नहीं होनी चाहिए जिसके लिए कुछ भी मेजर लेने की तैयार है। दुश्मन टारगेट किलिंग करेगा, मस्जिदों में बम फोड़ेगा। मैं इराक की तरफ आऊंगा, लेकिन पहले यहां से चलो, हिंदुस्तान और पाकिस्तान में अगर जहां तक बेदारी की बात आए तो पाकिस्तान इस वक्त सबकत कर गया बेदारी में। हिंदुस्तान में अभी बेदारी आना बाकी है, अभी आई नहीं बेदारी, अवेकनिंग हुआ है हिंदुस्तान के अंदर, अवेकनिंग और है। रोजाना पंचगाना की नमाज में जमातें भर जाना, मंडितों में जमातें भर जाना, ये और है। जिस वक्त दुश्मन तुम पर हमले शुरू करते, समझो कि तुम्हारे पास बेदारी आ चुकी है। जवानों को मारना, जुलूस में बम फोड़ना इस ख्याल से कि लोग जुलूस में से कम हो जाए, लेकिन उसके बाद वाला जुलूस हो जाएगी, लोग ज्यादा माए बच्चों को कफन मिलाकर भेजेंगे, ये बेदारी की अलामत है। एक संवाद पढ़े मोहम्मद वाले, लेकिन याद रखिए ये शहादतें क्या नुकसान पहुंचाती है हमें, शहादतें क्या हमें लिए मुज़िर है? क्या हम ये तसव्वुर करते हैं कि शहादत से हमारी जमीयत कम हो जाएगी, शियत कम हो जाएगी, शहादत से लोग हमारे कम हो जाएंगे? शहादत से लोग कम हो या ना हो, इतना याद रखें ईमान मजबूत हो जाता है, दीन मजबूत हो जाता है। मिसाल ईरान, इराक को हिम्मत कहां से मिली इस्तेकामत की? सीरिया को हिम्मत कहां से मिली इस्तेकामत की?
आज जो ये दूसरे मजहब वाले भी जो उठ रहे हैं, अहले सुन्नत उठ रहे हैं, किसकी बात पे उठ रहे हैं अहले सुन्नत? आज जो इराक के अंदर जो क़याम हो रहा है दुश्मनान इस्लाम के खिलाफ, जिस क़याम के अंदर बाकायदा हमारे साथ अहले सुन्नत भी हैं, किसकी बात पर उठे? हमारी मर्जियत की आवाज पर उठे, इसलिए कि उनके पास लीडरशिप नहीं है। सारे बिलाद अरब के अंदर कोई ऐसी लहर हमने नहीं देखी कि एक अहले सुन्नत का एक इंडिविजुअल लीडर उठकर उन्हें इनकलाब की दावत देता हूं। इस सारे अवेकनिंग के अंदर जो एक 5-6 साल के अंदर जितने अवेकनिंग हो रहे हैं, जितनी बेदारियां इस्लामी हो रही है, सब में देखे आप, सबका लीडर मीडिया बना हुआ है। और जिसका लीडर मीडिया बन जाए, कभी इस दरवाजे की तरफ कभी उस दरवाजे की तरफ, सही इंकलाब हासिल नहीं हो सकता। जिसका लीडर खुदाई आदमी बन जाए, खुदाई आदमी अगर लीडर बन जाए, खुमैनी अगर लीडर बन जाए, ईरान के इंकलाब की बात देखें, और पीछे जाए 35 साल पीछे जाए आप लोग, एक लीडरशिप जब उठ जाती है, मर्जिया की लीडरशिप, विलायत फकीह की लीडरशिप जब उठ जाती है, लोग लब्बैक कहते थे, दुनिया की बड़ी से बड़ी ताकतें मिलकर भी इन्हें हटाना चाहे हटा नहीं सकती, बताओ इन्हें मारा भी जाए तो इनका खून रंग पे रंग देता जाता है, दीन हरियाली से उभरती जाती है। अली अकबर ने कहा, बाबा अगर हम हक पर हैं
दादा के पोता ने कहा कि चाहे हम मौत पर जाएं या मौत हम पर आ जाए, फिर हमें परवाह नहीं है एक बात की। तो आज के लिए भी यही है, अगर आज लोग उठकर अपने मबलिकत से, एराज से दिफा ना करें, करबला से दिफा ना करें, नजब से दिफा ना करें, याद रखो अगर मौत का खौफ है, आज से चंद दिन या चंद घंटे या चंद महीनों के बाद मरना जरूर है, बेहतर है कि यही शहादत की सआदत अबदी की मौत हासिल कर ले। मौत तो आने वाली है, ये ना समझो कि मौत नहीं आने वाली, मौत है आने वाली। इमाम हुसैन करबला के मैदान में उमर साहब को जब पैगाम दिया था, उमर साहब को समझाया था इमाम ने, आजा मेरे तरफ, हर चीज देने का वादा किया, उसने बहानेबाजी की, आखिर में इमाम ने फरमाया आज नहीं कल तुझे मौत, इतना यकीन रख के तुझे मरना है, अगर यहां पर मरेगा सआदत हासिल करेगा, अगर यहां से हटकर मरेगा तेरा जनाजा गलियों के अंदर बदतमीजी के साथ ले जाया जाएगा। यानी मौत दो किस्म की है, एक सआदत की है, एक सआदत नहीं है, जिसके अंदर कुछ भी नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने हमें बताया शहादत है क्या चीज, हमारे बुजुर्गों से मतलब हमारे बाबा दादा परदादा सकर दादा नहीं, बुजुर्गों से मतलब अबू जर, बुजुर्गों से मतलब सलमान, बुजुर्गों से मतलब मीसम, मिकदार, जोम, ये तमाम बुजुर्गों ने बताया कि शहादत क्या दर्जा होता है। तवज्जो फरमाएं, हम लोग सलमान, हम लोग मीसम तमाम की फजीलत के ऊपर झूम जाते हैं। क्या फजीलत थी मीसम की? मीसम कोई रॉयल आदमी नहीं थे, मीसम खोरमा फरोश थे, सुबह में बेचते थे खोरमा, शाम में उनकी रोटी पकती थी, खोरमा बेचते थे रोटी खाते थे, लेकिन तकवे की मंजिल ये थी, अमीरुल मोमिनीन उन्हें गायब की खबरें दिया करते थे, तकवे की मंजिल ये थी, अमीरुल मोमिनीन उन्हें शहादत की खबर दिया करते थे। एक बार नहीं, कई बार इमाम ने मीसम को उनकी शहादत की खबर दी, मीसम झूम जाते थे, शहादत का नशा उन पर तारी हो जाता था, सिर्फ जब तक खबर देते रहते थे इमाम, मीसम को एक अजीब सी कैफियत अंदर से पैदा होती थी कि मैं राहे खुदा में शहीद किया जाऊंगा, लेकिन मीसम को अभी शहादत की जगह की खबर नहीं। एक मरतबा इमाम मीसम को बुलाते और उस मकाम पर लेकर जाते हैं जहां पर मीसम को सूली दी जाने वाली थी, लेकर मीसम को हाथ पकड़कर, मीसम चलो मेरे साथ, तुम्हारी चाय शहादत दिखा दो। मीसम चले उस दरख्त के पास पहुंचे, इमाम ने फरमाया यही वो दरख्त है जहां तुम्हें फांसी दी जाएगी और फांसी के बाद तुम्हारा गला काटा जाएगा, मीसम यहां तुम्हारी जुबान काटी जाएगी। मीसम के दिल में घबराहट शुरू हो जानी चाहिए थी, मीसम के दिल में हैबत शुरू हो जानी चाहिए थी, मीसम के पैरों में लफ्जिशें शुरू हो जानी चाहिए थी, लेकिन मीसम का कुछ और मामला था, मीसम के अंदर एक ताकत उभरने लगी। हर रोज सुबह और शाम मीसम उस दरख्त को पानी देने लगे, उस दरख्त को सहलाते थे, उस दरख्त के ऊपर अपना हाथ रखकर कहते थे दरख्त आमादा हो जा कि मीसम तुझ पर लटकने वाला है। तवज्जो फरमाएं,
जैसे ये वाकया पढ़ा मैं, आप लोगों के ज़हनों में हमारे बुजुर्ग मीसा और सलमान की एक फजीलत ज़हन में आ गई। अजीजों, मीसा बाबा का पुतला नहीं है, मीसा फिक्र है। मीसा एक फिक्र दे रहा है। मीसा कहता है, मेरे मौला ने मुझे खबर दी कि मेरी शहादत होगी, मैं उस दरख्त को नहीं काटा बल्कि उस दरख्त को पानी दे दे कर मजबूत किया। उसी रसूल ने खबर दी उन शियों के बारे में जो आखिर उस जमान में जिंदगी करने वाले शियों को काटा जाएगा। अब मीसम के रास्ते पर चलने वाले शिया को चाहिए कि उन तकफीरियों के मुकाबले में अब अपने गलों को सैकल करना शुरू कर दे। ये है फिक्र मीसम, यानी आमादा हो जाओ उस हकीकत को लेने के लिए जो हकीकत हमारी हकीकत है। अबूजर, अबूजर बाबा का पुतला नहीं बल्कि अबूजर फिक्र है। फिक्र अबूजर ही चाहिए हमें, फिक्र मीसम ही चाहिए। शरीयत एक फिक्र है, लॉजिक है। इसीलिए देखें आप बारदे मातेरा, आप जितनों को भी बुला रहे कई दिनों से बाहर थे, कोई आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं। फिलिस्तीन के मसले में हम उठते, सीरिया पर आंच आती है तो हम उठते, इराक पर आंच आई यकीनन ये तो हमारा ही काम है, म्यांमार में मुसीबत आती है तो हम उठते, पाकिस्तान में मुसीबत आती है तो हम उठते, अफगानिस्तान में मुसीबत आती है तो हम उठते। जहां ने इस्लाम पर कोई भी मुसीबत कहीं पर दिया हो तो हम ही उठते हैं और कोई उठता नहीं। इसलिए क्यों, हम लोग आजाद हैं, फिक्र वाले लोग हैं, हमारे पास दीन भी है, हमारे पास फिक्र भी है। और फिक्र कोई मामूली फिक्र नहीं है हमारे पास, हमारे पास फिक्र अगर है तो सलमान की फिक्र है, अमीरुल मोमिनीन की फिक्र तो बुलंदतरीन फिक्र है। ला यहदिरु अन्निसई वला यरफ इलैयतई, इमाम ने फरमाया किसी का इल्म मेरे इल्म के बराबर नहीं पहुंच सकता, किसी की परवाज फिक्र मेरी परवाज फिक्र के बराबर नहीं उठ सकती। यानी ये है अमीरुल मोमिनीन की फिक्र, ये तो कोई फिक्र नहीं उठ सकती। हम सिर्फ उनके सहाबियों की फिक्र हासिल करने की कोशिश करें, जॉन जैसे गुलाम की फिक्र हासिल करने की कोशिश करें, सहाबियों की फिक्र हासिल करने की कोशिश करें। सलमान को एक फिक्र का दर्जा दें, मीसम को एक फिक्र का दर्जा दें, ये शहादत के दर्जों से मुतसिल कर देता है। जितनी शहादतें दी जाएगी, जितनी कुर्बानियां दी जाएगी, उतनी कौम मजबूत होगी। आज दुनिया के अंदर दुनिया को जीने का तरीका सिखाया तो शरीयत ने सिखाया और किसी मकतब ने नहीं सिखाया। मकतबे करबला ने, मकतबे करबला ने सिर्फ शियों को नहीं बल्कि सारी दुनिया के लोगों को एक जीने का सलीका सिखाया। आज दुनिया के अंदर देखें कि किस तरीके से जिंदगी कर रहे हैं। जैसे इमाम फरमाते हमारे शिया कुर्बानी करते हैं, हमारे शिया कुर्बानी के बकरों की तरह है। रसूल की एक हदीस बयान करो, उसके बाद सादिक आले मोहम्मद की एक हदीस में बयान करता हूँ। एक सवाब पढ़े मोहम्मद वाले, रसूल एक मतलब बैठे हुए थे अपने असाब में मस्जिद में तकरीर कर रहे थे। तकरीर में एक खास गिरोह की तरफ रसूल ने कई मरतबा इस तरीके से किया, अली के बारे में, अली के शियों के बारे में बहुत सारी अहादीस वारिद हुए। उसमें रसूल ने फरमाया एक जमाना ऐसा आने वाला है मुसलमानों के अंदर, मुसलमानों के गिरोह, अकलियत वाले मुसलमान के गिरोह जो हक के रास्ते का दावा करने वाले होंगे उनको बेदर्दी से मारेंगे। एक सहाबी वहां से उठा जिसका नाम मेरे जहन में भी नहीं,
कौन सा आदमी है? या रसूल अल्लाह, क्या इन अकलियत का गिरोह खत्म हो जाएगा? रसूल ने फरमाया, हरगिज नहीं, बल्कि इनकी शहादतें इन्हें मजबूत तर करती जाएंगी। ये हदीस मैं इसलिए बता रहा हूं, ये सब देखो, शहादत एक नेमत, दोनों व्यू से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यहां पर। शहादत के लिए क्या होता है मैं बताऊंगा आपको, मैं इराक की तरफ आऊंगा फिर। छठवें नंबर की हदीस, ऐसा नहीं है वहां पर। अगर इराक के अंदर
दूसरे महाराजों के भी अगर मुखल्लिद होंगे उनके ऊपर भी ये जिहाद वाजिब है। इसीलिए ये शान है हमारी जब हमारा एक मर्जे तकी फतवा दे देता है तो सबके सब मैदान में आ जाते हैं। ये नहीं देखते कि सामने दुश्मन के पीछे सारी बड़ी बड़ी ताकतें हैं, हमें मौत मिल सकती है। हरगिज नहीं। ये वो लोग होते हैं जिस तरीके से करबला में इमाम के सामने जाकर हाथ जोड़कर कहते थे हमें इजाजत दीजिए, यही वो करबला की तासीर है जहां पर लोग आगे पढ़ पढ़कर अपना नाम लिखा रहे। तवज्जो रखें वालों, हमारे ऊपर जहाद वाजिब नहीं है लेकिन हमारे ऊपर उनके लिए हमदर्दी जरूरी है, उनके लिए दुआ करना जरूरी है, उनके फिक्र को आगे बढ़ाना जरूरी है। कैसे आगे बढ़ाए शोधा को, कैसे आप प्रमोट करेंगे? एक तो सोशल मीडिया कर रहा है, गले काटते हुए भेज रहा है सबको, लेकिन ये सब सोशल मीडिया में फैलाने की जरूरत नहीं है। आप लोग अपनी फिक्र को आगे बढ़ाएं, इस दुश्मन के मीडिया को खुद दुश्मन के खिलाफ यूटिलाइज करें, पैगाम करबला पहुंचाएं, फिक्र भी समी को दुनिया वालों के सामने रखें। सलमान फारसी की फिक्र को दुनिया वालों के सामने रखें, लेकिन यकीन रखें वाकिबत लिलमुत्तकीन, आकिबत साहिबान तक्वा के लिए। अरसल रसूलहू बिलहुदा वदीनिल हक लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले वलौ करिहल मुशरिकून या वलौ करिहल काफिरून, कि ये दीन गालिब आने वाला एक दिन चाहे ये अमेरिका को कितना ही बुरा क्यों ना लगे, ये शरीयत कामयाब होने वाली है चाहे ये बात इसराइल को कितनी बुरी क्यों ना लगे। ये शोहदा का खून कामयाब होने वाला है चाहे ये बात दुश्मना ने इस्लाम को कितना नागुवारी क्यों ना लगे। हम लोग यहां पर जमा हुए इन शोहदा की रसीदगी करने के लिए, इनके फातिहा खानी के लिए, ये बताने के लिए, ऐलान करने के लिए इराकियों को कि इराकियों तुम लोग तन्हा नहीं हो, सारी दुनिया के लोग तुम्हारे साथ हैं, आजाद फिक्रे तुम्हारे साथ हैं। अजीजों यह कोई जंग कोई मामूली जंग नहीं है, ये इस्लाम की हिफाजत की जंग है, ये रोजाए मुकद्दस की हिफाजत की जंग है, ये विलायत की हिफाजत की जंग है, नजफ की हिफाजत की जंग है, शियत की हिफाजत की जंग है। ये जंग नहजत करबला की हिफाजत की जंग है। यकीनन ये एक ऐसा सेंटर पॉइंट है करबला, न जाने कितने दुनिया के कितने करोड़ों लोगों को आज तक बेदार कर दिया और आज से और आइंदा भी बेदार करता रहेगा। इस जंग को हम मामूली न समझें, इस जंग को इजी न ले। मैं सलाम करता हूं इन जवानों को जिन्होंने इस चीज को ऑर्गेनाइज किया। जब अपना कोई मर जाता है तो हम उसके लिए बड़ी बड़ी चीजें ऑर्गेनाइज कर देते हैं, खुशियों को मार देते हैं। जब हॉस्पिटल में मरता है, घर में मरता है, बीमारी के साथ मरता है, जलम तो नफसी के मंजिलों के बाद मरता है, उसके लिए ग्रैंड सेबूम करते हैं, ग्रैंड तरीके से दबूम करते हैं, ग्रैंड तरीके से चेहलूम करते हैं। इन शोहदा का हाथ हमारे मुर्दों से ज्यादा, इन शोहदा का हाथ इनकी याद हमारे अपनों की यादों से ज्यादा है, इसलिए कि तुम्हारे उन मुकामात की हिफाजत कर रहे जिन मुकामात के लिए हमारा दिल तड़पता है। इन शोहदा की यादें प्लेटों के ऊपर बेची नहीं जा सकती,
इन शोहदा की यादें तबरुकों के बुनियादों के ऊपर लोगों को दावत नहीं दी जा सकती। इन शोहदा की यादें इस तरीके से दी जाती है जिस तरीके से शाम गरीबा में दी जाती है, फर्श के ऊपर, अंधेरों में, इसलिए कि वहां पर लोग अंधेरों में हम उनकी याद मना रहे हैं। शाम गरीबा एक औरफी नाम है, गरीबों की शाम, यकीनन हमारे करबला वालों के लिए, लेकिन करबला वालों से नहजत करबला पर भी आती है। ये सब जितने शहीद हो रहे नहजत आशूरा के मुहाफिज़ीन नहीं, नहजत आशूरा की हिफाजत करने वाले, ये इस मकाम पर मैं उन बुजुर्ग उलमाओं को नहीं भूल सकता जिन्होंने नुसरत के वादे किए और वादे पर वफा भी किया। इमाम अली क्या फरमाते नहजुल बलागा में, दोस्त के औसाफ के बिनाते में इमाम ने फरमाया, मेरा दोस्त इन यकूलु मा यफ़लु वदा तकूलु मा ला यफ़लु, मेरा दोस्त वो है जो कहता है तो कर कर दिखाता है, जो नहीं करना होता तो कहता भी नहीं। मैं जरूर याद करूंगा इस मकाम पर उस मुजाहिद अजीम हसन नसरुल्लाह को। एक सलवा पढ़े मोहम्मद वाले, यकीनन खुदा, मैं एक इलाही सुन्नत के बारे में बताता हूं। मैं इलाही सुन्नत यह है, जब तक हरकत ना हो बरकत नहीं होती, ये हमारा मामला है। हरकत नहीं है तो बरकत नहीं, सोते रहेंगे, कल के दिन बाकी टूटा और आज करवाला भी टूट जाए अगर सोते रहेंगे तो, लेकिन नहीं है इस तरीके से। अब शीयर उठ चुकी है, शीयर 1979 में बेदार हो चुकी है, शीयर अमीरुल मोमिनीन के बताए हुए रास्ते पर, आसमान के रास्ते ढूंढ चुकी है, शीयर न्यूक्लियर की पावर बन चुकी है, शीयर सिर्फ मुख्तार बन चुकी है, शीयर आज दुश्मन का मुंह तोड़ जवाब देना जानती है, शीयर आज यूएस के ड्रोन को उतारना जानती है। इमाम को आने के लिए रास्ता हमवार कर चुकी है,
शरीयत आज अपने मुकद्दसात को हिफाजत करने की ताकत रख सकती है। दुरूद मुबारक हो शियत पर,
ऊपर निगाह करें। इमाम सैयद सज्जाद के खेमे में इमाम आते हैं सैयद शोहदा, अलबत्ता शहीद के बारे में ज्यादा हक नहीं अदा कर सका मैं, फिर भी जो भी है अल्लाह हमसे कबूल करे, शोहदा को हमसे राजी करे, इमाम जमाना को हमारे अमल से राजी करे, शोहदा का हक बाकी रहेगा। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर तारीख से कंपेयर करना था, इसलिए मैं यहाँ पर आया जिसमें मसायब भी होंगे। इमाम हुसैन आए अपने फर्जंद के खेमे में, फर्जंद को उठाया, फरमाया मेरे बच्चे मेरे फर्जंद मदीने जा रहे हो, मेरे शियों को मेरा सलाम कह दो, मेरे शियों से कहो कि अगर कोई मुसीबत तुम पर आए मेरी मुसीबत को याद कर लेना। बहुत सारी बातें कही इमाम ने, लेकिन मुझे इस मुसीबत के जुमले के ऊपर बयान करना। मामूलन जब कोई हमारा मर जाता है हम ये जुमले को मजलिसों में पढ़कर दिल को तसल्ली देते हैं कि हमारा मरने वाला इमाम हुसैन से बढ़कर नहीं है, हमारा बच्चा इमाम हुसैन के बच्चे से बढ़कर नहीं है। इमाम ने शायद इन इराक वालों की इन कुर्बानियों की तरफ निगाह की हो जिसमें बच्चे भी जिबा किए जा रहे, जिसमें नौजवान जिबा किए गए, जिसमें न जाने कैसे कैसे लोग जिबा किए गए, इन तकदीरियों के नजदीक कत्ल करने के सवाबत भी, गोली मार दे तो एक सवाब, चाकू से खंजर से मार दे तो एक सवाब, गला काट दे तो एक सवाब, लेकिन गला पीछे से काटे तो एक सवाब। लेकिन शियों के बारे में इनका खास तौर से ये है कि शियों का सर तन से जुदा किया जाए, उसमें हमको बहुत ज्यादा सवाब हासिल होगा। यानी इस तरीके की हरकतें इमाम जानते थे कि नहजत आशूरा की हिफाजत करने वालों के सर काटे जाएंगे और बास के सर मेरी तरह से पीछे से काटे जाएंगे। अल्लाह अल्लाह, दुनिया का कोई ऐसा गम ना था जो दुनिया में कोई उठकर कहे अब अब्दुल्ला मेरा गम आपके गम से बढ़कर है, हरगिज नहीं। देखो खंजरों से गलों को काटा गया, पुश्ते गर्दन से काटा गया, लेकिन हुसैन के गर्दन को काटने में और दूसरों की गर्दनों को काटने में जमीन आसमान का फर्क था। खंजर लेकर शिमर आगे बढ़ा, जमीन पर इतने बार बार किया, ये खंजर कुंद होने लगी। अल्लाह अल्लाह, इसकी तेजियां फटकर कभी इस तरफ कभी उस तरफ। खंजर लेकर आगे बढ़ा, आगे बढ़कर इमाम के रीशे मुबारक को पकड़ा। ज़ियारत नाहिया में इमाम फरमाते सलाम उच्चत के ऊपर, इमाम फरमाते अशिम्रो जालिसुन अला सदरे, शेम इमाम के उस पाक सीने पर सवार हुआ, रीशे मुबारक पकड़कर इमाम के गर्दन को पलटा, खंजर से पीछे से निभा करना शुरू किया, इतने तीर पर बसते। अल्लाह दारो, यहाँ पर आप देखें कि किस तरीके से शियों को दिमाग किया जाता है। आपने क्लिप्स देखा है, शियों को पकड़ा जाता है, उनकी आइडेंटिटी देखी जाती है, उनको पकड़कर उनके हाथ पीछे बांध दिया जाता है, बांधने के बाद उसी जमीन पर बिठाकर बेदर्दी से उसका गला काटते हैं। वो अपने हाथों को खोल नहीं सकता शिया, इसलिए कि उसके हाथ टाइट बांधे हुए, खोलकर अगर कुछ मदद करना चाहे अपनी नहीं कर सकता। जब गला कटता है, बिलखसूस अगर पुश्ते गले से अगर काटा जाए, पीछे से अगर सामने से काट दिया जाए, रगे हयात पहले कट जाती है, बाद में मरने वाले को ज्यादा एहसास नहीं होता, लेकिन जब पीछे से काटा जाता है, पुश्ते गला से जब हड्डियां कटती भी आती है, टूटती भी आती है, रगे हयात यहाँ पर होती है, मरने वाले को बहुत तकलीफ होती है। इस तरीके से शियों को काटा गया, पीछे से हाथों को बांध दिया गया था,
और उसके बाद इमाम जब गला काटा जाता था ये लोग तड़पते थे, वहां सब्र करते थे, इसलिए कि सब्र का मकाम है, ये दूसरा कुछ नहीं कर सकते थे। इमाम के बारे में सुने, इमाम के बदन पर इतने ज्यादा तीर पैवस थे, इमाम का बदन करबला के पर जब शिम्र पीछे से गर्दन जिमा कर रहा था, इमाम चाहते थे हाथों के जरिए से इस शिम्र के हाथों को रोके, लेकिन तीर इतने थे कि इमाम के हाथ गर्दन तक न पहुंच सके। इमाम जमाना फरमाते मेरे चंद ने अपने हाथों को साकिन कर दिया। जब शोदा के गले काटे जाते थे उनके हाथों को बांध दिया जाता था, जब कोई तकलीफ होती उसके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, तवज्जो करें, उसके पास सिर्फ एक ही चीज होती है, वो चीज ये होती है अपना सारा दर्द उन हाथों पे उतार सकता है। वो हाथों को बंद कर यानी पैरों को रखकर मजबूती के साथ पकड़कर दूसरा कुछ नहीं कर सकता, दुश्मन को रोक नहीं सकता। बस हुसैन का भी यही ख्याल था, हुसैन शिमर के हाथों को रोक न सके, अपने हाथों को साकिन कर लिया, अपनी नफ्सों को रोक लिया। वक्त आया आखिरी रगे उनको कटी, सर के मुखबार है लोगे ने पर बुलंद हुआ, अस्सलाम अलैका या अबा شہدائے عراق اور تمام شہدا کو ایثار فرمائے۔ بسم اللہ